बच्चों, वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स क्लासेस चैनल। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाउन दिया डाल दिया है, और वैसे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो मैंने डाल दिया है, तो जिसको कौन सा एक्सप्लेनेशन देखना है वो देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, अर्ली ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो अर्ली ट्रेडिंग एक्टिविटीज, अभी ये चैप्टर में आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको कैसे पहले लोग एक दुनिया से दूसरे दुनिया में गए, नए नए प्लेसेस कैसे ढूंढ के निकाले, ज्योग्राफिकल मैप कैसे तैयार हो गया। ओके, तो ये सब के बारे में चैप्टर होगा, और कौन कौन ने प्लेसेस ढूंढ के निकाले। ओके, तो ये सब पूरा चैप्टर के बारे में होगा। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे। तो अर्ली ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग रिलेशन। ओके, सिंस एंशियंट ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। ओके, एविडेंस ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी, रोमन कॉइन। ओके, अभी इसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग रिलेशन जो था वो मालूम हुआ है कि एक्सकेवेशन से, नहीं तो खोद के विद के ऐसा निकाला है, और पता चला है कि बाबा कि जो ट्रेडिंग चलता था, मतलब एक्सचेंज, दूसरे गांव से इस गांव में आते थे, अपना गुड्स लाते थे, बेचते थे और पैसा लेके जाते थे, नहीं तो इधर आते थे, कुछ लेकर जाते थे, तो ये सब ट्रेडिंग होता है। तो ये ट्रेडिंग रिलेशनशिप पता चला साइंटिस्टों को कि बाबा ये बहुत पहले से चलता है। तो कब से शुरू हो गया था, ये ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन था तब से हो गया था। ओके, तो ग्रीक मतलब क्या, तो ग्रीक का जब सिविलाइजेशन हुआ था, ग्रीक रीजन का जब वो तैयार हो रहा था, ठीक है, नहीं तो फॉर्म हो रहा था उस समय से, और रोम का जो सिविलाइजेशन था, मतलब रोम जब शुरू हुआ था, उस टाइम से ये एक्सचेंज का ट्रेड चल रहा था, बोल रहे। तो एविडेंस ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड रोमन कॉइन, इसका मतलब क्या है, द एविडेंस अब कैसा था कि अब वहां पर असल में मिला क्या, मिला उनको, तो वो जब खोद रहे थे तो उनको कॉइन्स मिले, किसके, रोमन सिविलाइजेशन के कॉइन्स। तो उससे पता चला कि रोमन सिविलाइजेशन के कॉइन्स इधर मिल गए, तो पता चल लगता है कि बाबा वो लोग इधर आए होंगे, तभी वो कॉइन इधर आया होगा। वो एविडेंस था कि इसके पहले ट्रेडिंग एक्टिविटी होता था ग्रीक और सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन में। तो वैसे इंडिया में भी ट्रेड होता था, इंडिया का किस बीच में होता था, किन के देशों में होता था, तो बता रहे अभी। तो इन इंडिया सिंस इंडस सिविलाइजेशन से, और बिटवीन इंडिया और मेसोपोटेमिया, तो वो ट्रेड इंडिया में होता था, वो इंडिया और मेसोपोटेमिया के बीच में होता था। तो मैप में आपको दिखाया गया है, देखो किधर इंडिया है और किधर मेसोपोटेमिया, तो ये दोनों देश के बीच में बहुत एक्सचेंज होता था, ट्रेड होता था। ओके, तो इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन से एक्सचेंज ऑफ ट्रेड शुरू है। बाद में मेडिवल एजेस, मेडिटेरेनियन सी एंड बाल्टिक सी वेर द कमर्शियल हाईवेज, एजियोना एंड वेनिस वेर द इम्पोर्टेंट सिटीज। तो अभी मेडिवल एज के टाइम पर जो उनका मेन रास्ता था, के वो बोट से जाते थे एक दूसरे गांव से दूसरे गांव में, तो उस टाइम पे बोट का रास्ता कौन सा मेन उनका हाईवे था, हाईवे मतलब जहाँ पर ज्यादा बोट जाती है और व्यापार धंधा ज्यादा होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, तो उसको हम कमर्शियल हाईवे बोलते हैं, क्योंकि कमर्शियल मतलब क्या, पैसा, तो जिस रोड से पैसा आता है उसको हम कमर्शियल हाईवे बोलते हैं। जैसा अभी हमारा नेशनल हाईवे रहता है, वहां पर बाहर के दूसरे गांव से रो ये भाजी लेकर आते हैं, नहीं तो और कुछ लेकर आते हैं, तो भाजी वो बेचने के लिए लाते हैं, तो क्या है, पैसा आएगा, तो उसको कमर्शियल बोलते हैं, समझे। तो कमर्शियल हाईवे इसलिए बोल रहा है। तो मेडिटेरेनियन सी एंड बाल्टिक सी वे द कमर्शियल हाईवेज। ओके, और जियोन और वेनिस, जिनियो और वेनिस इंपॉर्टेंट सिटीज थे उस टाइम पे। तो लोग, ये देखो मैप पे दिखा है, तो मेडिटेरेनियन सी और बाल्टिक सी, तो मेडिटेरेनियन सी में से वो जाते थे जियोन और वेनिस के कोने में, देखो और यूरोप लिखा है वहां पर, तो उस जगह पर उनका बाजार भरता था, वो वहां पर जाके अपना बेचते थे और उधर से लेकर आते थे, तो वो इम्पोर्टेंट सिटीज था उनका, समझ में आया। ओके, तो आगे जाएंगे, तो मर्चेंट फ्रॉम यूरोप एंड एशिया एक्सचेंज देयर गुड्स। तो यूरोप और एशिया के जो लोग थे वो बहुत से एक्सचेंज करते थे अपने गुड्स, एशिया के लोग वहां पर जाते थे उनको बेचते थे, और वो यूरोप के लोग उनके पास जो मिलता था वो एशिया लेकर आते थे, एशिया के जो मर्चेंट्स थे वो। ठीक, तो सिल्क रूट यूज बाय द अरब मर्चेंट फॉर गुड्स फ्रॉम चाइना। सो सिल्क रूट जो था,
एक सिल्क रूट करके रास्ता था, वो अरब मर्चेंट्स यूज करते थे। ओके, तो क्यों यूज करते थे? क्योंकि वो चाइना को जाने के लिए यूज करते थे। वहां से कुछ भी चीजें मिलते थे वो लेकर आते थे। अभी वहां पर चीजें क्या मिलता था? कारपेट्स मिलता था, प्रेशियस स्टोन्स मिलता था उधर। सो वो प्रेशियस स्टोन्स मतलब रूबी, एमरल्ड, ये सब। तो ये प्रेशियस स्टोन्स उधर मिलते थे, तो वो लाने के लिए सिल्क रूट। तो सिल्क भी मिलता था वहां पर, तो सिल्क भी लाने के लिए अरब मर्चेंट ये यूज करते थे। सिल्क रूट नाम रखा था उन्होंने, तो वो लाइन वो रास्ते को अरब मर्चेंट यूज करते थे गुड्स लाने के लिए। ओके, एंशंट एंड मेडिवल एज लैंड रूट वॉज यूज। सो एंशंट और मेडिवल एजेस में ज्यादातर लैंड रूट ही यूज होता था। सो रस्ते से लोग जाते थे, समुन्दर का रोड उनको उस टाइम मालूम नहीं था, मेडिवल एज के एंड एंड में उनको मालूम पड़ गया। तो एंशंट एंड मेडिवल एजेस में कौन सा रोड यूज करते थे? तो लैंड रूट यूज होता था। बाद में यूरोपियन डिमांड कॉमर्शियल क्लास बिकेम द रिचेस्ट सोसाइटी। तो इसके वजह से क्या हुआ? अभी वो बेचने लगे थे, दूसरे गांव से नई नई चीजें लाने लगे थे। अभी चाइना का देखिए, वो मर्चेंट आते थे चाइना में से प्रेशियस स्टोन लेके जाते थे, तो वो उधर जब जाते थे वो बेचते थे, तो बहुत लाखों करोड़ों उनको फायदा होता था। तो वो क्या हो गया, मर्चेंट तो गरीब थे नहीं तो मिडिल क्लास थे, वो रिच सेक्शन में पहुंच गए। तो रिच क्लास मतलब अमीरों खानदान में उनका नाम गिरने लगा। तो यूरोपियन डिमांड इंक्रीज ज्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से कमर्शियल क्लास जो छोटे मतलब मिडिल क्लास के थे वो रिच बन गए। ठीक, बाद में क्या हो देखेंगे, द ट्रेडिंग एक्टिविटी रिसीव्ड अ सेटबैक। तो ये अच्छा धंधा चल ही रहा था कि उनको एक धक्का लग गया। बोल रहे देखेंगे कौन सा धक्का लगा। ड्यू टू पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इन 14 एंड 15 सेंचुरी, अ न्यू ट्रेड रूट एंड सेफर एंड कन्वीनियंट एंड डिस्कवर्ड ऑफ जियोग्राफिकल। तो क्या हुआ, ट्रेडिंग एक्टिविटी जो था उनको एक धक्का लग गया। कैसे धक्का लग गया? पॉलिटिकल प्रॉब्लम के कारण। पॉलिटिकल मतलब क्या हुआ, वहां पर जो राजा रहते थे वो उनको अभी जाने को नहीं देते थे, वो बोलते थे इधर रोड बंद हो गया, तो उनको फिर से पूरा आना पड़ता था। तो इसके वजह से क्या हुआ, उनको एक नया ट्रेड रूट मतलब नया रोड ढूंढने का सोचना पड़ा, न्यू, जो जो क्या होगा, सेफर होगा, मोर कन्वीनियंट होगा, मतलब वो किसी के अंडर नहीं होगा और सेफ होगा, कोई उसको रोकेगा टोकेगा नहीं, और कोई डेंजर भी नहीं होगा, कोई रॉबर भी भर पे आएगा। और डिस्कवर ज्योग्राफिकल, तो इसके वजह से क्या हुआ, ज्योग्राफिकल मतलब नए रोड ढूंढने का प्रोसेस शुरू हुआ, मतलब वो ढूंढने के लिए लोग अभी मैप करने लगे, ढूंढने लगे कहाँ से रोड मिलेगा। तो इसको हम ज्योग्राफिकल बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ ज्योग्राफिकल, नया रोड बनाते हैं इसको हम ज्योग्राफिकल बोलते हैं। तो नया रोड ढूंढने लगे वो। बाद में द पीरियड ऑफ द 15 एंड द 17 सेंचुरी, अभी 15 और 17 सेंचुरी के बीच में बोल रहे हैं, यूरोपियन कंट्री हैड एक्सप्लॉयड। एक्सप्लॉयड मतलब सब उन्होंने ढूंढ के निकाला था। सब वो घूम के आए थे 15 और 17 सेंचुरी के बीच में। ये सब पूरी दुनिया को उन्होंने ढूंढ के निकाला था। तो इसमें उनको नए देश कौन से मिल गए, एशिया, अफ्रीका एंड डिस्कवर अमेरिका। तो ये तीन देश उनको मिल गए, एशिया मिल गया, अफ्रीका मिल गया और अमेरिका मिल गया। अभी एशिया में इंडिया भी आता है। लिमिटेशंस ऑफ द लैंड रोड, अभी देखो रोड रोड वो ज्यादा यूज करते थे। पर रोड पे क्या प्रॉब्लम था उनको, लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस, नहीं तो क्या उनको बुरा था उसमें, मतलब रोड उतना अच्छा क्यों नहीं था ऐसा बोल सकते आप। तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, तो वह पहला तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत टाइम लगता था जाने के लिए, बहुत दूर था तो घोड़े पर से नहीं तो ऊंटों पे से जाते थे, तो बहुत महीना लगता था, 3 महीना 2 महीना, नहीं तो घोड़े थक जाते थे इतना चलकर, रुकना पड़ता था, तो वो बहुत ही टाइम काला था जाने का। अटैक बाय द रोबर, अभी उनको धोखा भी था, रास्ते में कोई चोर भी आकर लुटेरे आकर उनको लूट लिया सब सामान, तो वो भी टेंशन था। उसके बाद लॉजिंग फैसिलिटी, लॉजिंग फैसिलिटी मतलब रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जो मिलता था वहां पर टेंट लगा कर सोते थे, नहीं तो जमीन पर सोते थे, तो कोई सांप बिच्छू आकर उनको काटने का मर सकते थे। ठीक, नहीं तो पथरीली जगह पर पहुंच जाते थे, वहां पर रहने को ही नहीं मिलता था ऐसा था। तो लॉजिंग मतलब रहने का फैसिलिटी नहीं था। पेरिशेबल गुड्स स्पॉइल, पेरिशेबल फूड मतलब जो टमाटर रहते हैं वो सब स्पॉइल होते हैं, तो ऐसे गुड्स लेकर वो जाते थे, वो इतना महीना लग जाता था वो खराब हो जाते थे, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होता था।
वैसे छाता भी बोल सकते हो। अभी छाता बारिश के महीने में कोई लेगा, अभी वो इतना दूर रास्ता है तो छाता समझो वहां पर गर्मी के मौसम में पहुंच गया तो बाद में कौन लेगा, तो उसको भी पेरिशेबल गुड्स बोल सकते हैं। ठीक, सो बीइंग क्लोज डाउन बाय द रूलर, और उसके पास प्रॉब्लम था कि बाबा जो वहां का रूलर था तो रूलर क्या कर सकता था बाबा, वो हमारे वहां पर पहुंचने के बाद दरवाजा बंद कर देता था, तो उनको क्या करना पड़ता था, पूरा रास्ता फिर से आना पड़ता था, मतलब बहुत लॉस होता था उनको। तो ये भी डेंजर था कि बाबा राजा वहां से जाने को लेगा कि नहीं, ये भी उनका डाउट था। तो इसके वजह से भी न्यू कमर्शियल रूट उनको ढूंढना पड़ा। ठीक, तो न्यू कमर्शियल रूट मतलब इसी ये प्रॉब्लम के लिए भी उनको नया रोड ढूंढना पड़ा। ठीक, बाद में सो यूरोप हैड द इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ द अर्लियर ट्रेड एंड प्रॉफिट। तो यूरोप के पास पहले से ही इंफॉर्मेशन था कि वहां पर ये गांव में ये मिलता है, अफ्रीका में वो मिलता है, ये उनको पहले ही मालूम था। कि वो अभी कैसे मालूम था, तो यूरोप में हैड द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स ऑफ द अर्लियर ट्रेड, मतलब उनके जो दादा परदादा थे, नहीं तो और कोई उनके जो फेमस मर्चेंट्स थे वो पहले घूम कर आए थे वो जगह पर, और उनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, बुक पे भी लिख के रखा था, नहीं तो पेपर्स पे भी लिख के रखा था, मैप बना के रखा था। तो वो रिकॉर्ड से, इनका रिकॉर्ड्स बोलते हैं ये सब लिखना, तो रिकॉर्ड से उनको पता चला कि बाबा वहां पर बहुत ही धंधा होता था और बहुत ही प्रॉफिट कमाते थे। तो इसके वजह से यूरोप ने ज्यादा तरक्की किया ढूंढने में, तो इसलिए वो ज्यादा लूटने को सक्सेसफुल हुए दूसरे कंट्रीज को। तो अभी देखेंगे, अभी ये चैप्टर आपको सब कौन कौन गया किधर और क्या क्या ढूंढ निकाला इसके ऊपर में चैप्टर है, तो ये आपको सब याद रखना पड़ेगा। अभी तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो मार्को पोलो, ये मार्को पोलो है। ठीक, तो विजिटेड किंगडम ऑफ कुबलाई खान, तो ये क्या किया, ये कुबलाई खान चाइना का वहां पर राजा था। ठीक, तो चाइना का कुबलाई खान करके राजा था, तो मार्को पोलो कुबलाई खान के पास पहुंच गए और उसने वहां से प्रेशियस स्टोन्स भी उनसे वहां से ले लेकर फिर से यूरोप में आ गए। तो क्या लाया चाइना से मार्को पोलो करके क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको बोलना है प्रेशियस स्टोन्स। ओके, और ये जब वहां पर पहुंच गया ये सब डायमंड्स वेमंड सब लेके, तो क्रिएटेड डिजायर इन द माइंड टू टेक द, तो उनको क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा और कमाने की लालसा होगी क्योंकि वो बहुत पैसे में बिक रहा था उस साइड में, तो वो कितना भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे क्योंकि रिस्क उनको बाद में ज्यादा पेमेंट करता था, इसलिए वो कुछ भी खतरा लेने के लिए तैयार थे और वे कैसे भी करके वहां से डायमंड्स और क्या क्या मिलता है वो सब लेकर आना चाहते थे, समझे। तो चाइना में कौन गया था, मार्को पोलो, और वहां पर राजा कुबलाई खान था। तो चाइनीज गुड्स कहाँ क्या क्या लाते थे वो चाइना से, तो गुड्स लाइक चाइनीज सिल्क है, कॉटन है, रूबी एम्बर प्रेशियस स्टोन है, सेंट मतलब मारू है परफ्यूम सबको, बाद में ये गम है, गम निकालते हैं पेड़ में से, ठीक है, बाद में ये डे है, डे मतलब कलर करते हैं कपड़े को, उसको डे बोलते हैं, और फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध वाले ये मिलते थे, द्रव्य मिलते थे, वो बाद में किसी में डाल के हो अब साबुन में डाल के बाद में ये करते यूज करते हैं, तो लकड़ी भी मिलती थी। ठीक, तो ये सब वो वहां से लाते थे। एंड एवर इंक्रीजिंग एंड इंसेंटिव डिमांड, ये सब चीजों के लिए बहुत ही डिमांड बढ़ गया था, एवर इंक्रीजिंग एंड इंसेंटिव डिमांड टू फाइंड अ न्यू सी रूट टू द ईस्ट। और इसके वजह से क्या हुआ, जमीन से तो प्रॉब्लम होने लगा, कोई राजा रोकने लगा, कोई बहुत दूर रहता था, तो इसके वजह से उनको एक समुन्दर का रास्ता ढूंढने का एक आइडिया आ गया कि समुन्दर इतना बड़ा है तो उधर से क्यों ना ढूंढे कि वहां से सब जगह पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने ढूंढने के बाद में एक एक करके कोशिश किया, तो ढूंढने में थोड़े थोड़े सक्सेसफुल हुए, थोड़े नहीं सक्सेसफुल हुए। तो ये ढूंढने के लिए ग्रोथ ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज लेड टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ डिस्कवरी, तो ये ढूंढने के लिए थोड़े बुक्स ने उनका मदद किया। तो कौन कौन से बुक्स ऐसे हैं, तो ये दो बुक ऐसे हैं जो उन्होंने उनको मदद किया था। तो ये एक था नंबर ऑफ बुक्स वे पब्लिश, तो ज्योग्राफी बुक रिटन बाय पातलोमी, तो ज्योग्राफी बुक करके एक था जो पातलोमी ने लिखा था। और दूसरा बुक जो है, दोनों बुक यहाँ पर दिखा है मैंने, मर्चेंट हैंड बुक बाय फ्लोरेंटाइन, तो दूसरा बुक जो था वो मर्चेंट हैंड बुक करके नाम था और लिखा था फ्लोरेंटाइन ने। बाद में देखेंगे क्या हुआ। तो पैट्रोनेज
फ्रॉम द यूरोपियन मोनेंसी। अभी पैट्रोनेज मतलब क्या, हेल्प। अभी कौन हेल्प करता था देखेंगे, तो जहाँ जो वहां से जाता था मर्चेंट, अभी ट्रेडर कोई जाता था नया रास्ते ढूंढने के लिए, नहीं तो नया गांव ढूंढने के लिए जाता था, देश ढूंढने के जाता था, तब उसको वहां का राजा उसको हेल्प करता था, तो उसको ये नाम पैट्रोनेज दिया गया। तो ये पैट्रोनेज जो है वो राजा उनको हेल्प करता था, उसको नाम दिया गया। तो पैट्रोनेज जो क्यों देता था राजा भी, वो मर्चेंट को क्यों पैट्रोनेज देता था, अगर वो गया और कुछ उसको आया ही नहीं तो, नहीं तो कुछ लेकर ही नहीं आए तो क्या फायदा। तो क्यों देता था कि इसे अपॉर्चुनिटी टू मेक इन्वेस्टमेंट विच वुड अर्न देम अ ह्यूज प्रॉफिट। तो वो ऐसा समझते थे कि बाबा इनको अभी हेल्प करेंगे, पर ये जब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे बोट में, और तब तो उनको फायदा हो जाएगा, तो इसलिए वो उनको होता है उतना हेल्प करते थे। ओके, एंड ब्रिंग एक्सपायर एंड एक्सपांड एम्पायर बाय ब्रिंगिंग न्यू एरिया। और दूसरा क्या कर सकते थे, जब वो आएंगे तब एक नया जगह का पता करके आएंगे, तो वो वहां पर जाकर वो जगह का रूल कर सकेंगे। मतलब जैसे ब्रिटिश ने इंडिया को रूल किया था, वैसे वो एक जगह ढूंढे निकाला तो वहां पर जाके कैप्चर करेंगे, ये हमारा गांव है अभी, इसमें जो भी है वो हम लूट के लेके जाएंगे, ऐसा। तो ऐसा भी उनको चांस मिलता था, इसलिए वो उनको हेल्प करते थे, पैट्रोनेज देते थे। समझ में आया? ओके, द डिस्कवरी ऑफ द न्यू लैंड के लुक्ड अपन बाय द क्रिश्चियन मिशनरी टू स्प्रेड रिलीजन। उसको कॉलोनी भी बोलते हैं, न्यू लैंड भी बोलते हैं। ओके, तो नए लैंड ये जो ढूंढते थे तब क्या करते थे, उसका क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी मतलब क्या, पादरी लोग भी थे क्रिश्चियन के, नहीं तो धर्म के प्रचार करने वाले लोग थे, वो उन ट्रेडर के साथ जाते थे। ओके, और वो क्या करते थे वहां पर, क्रिश्चियन धर्म जो है वो स्प्रेड करते थे। ओके, मतलब तो इंडिया में देखो, इंडिया में सिर्फ पहले हिंदू ही थे, बाकी ये रिलीजन का कोई नहीं रहता था। तो ये क्या हुआ, ये जो ब्रिटिश लोग आए तब तो वो क्रिश्चियन पादरी को भी लेकर आए थे, और उस टाइम पे उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर दिया, और यहाँ पर हिंदू ने थोड़ा अपना धर्म छोड़ दिया और क्रिश्चियन में चले गए, तो ऐसा मतलब है, समझे? तो वो भी साथ में आते थे प्रचार करने के लिए, तो वो भी चांस जैसा समझते थे न्यूलैंड में जाकर क्रिश्चियन स्प्रेड करेंगे करके, तो देखेंगे बाद में। तो नंबर और नेविगेशनल एड्स, अभी देखो कोई भी जगह पर जाने के लिए अच्छा रास्ता मालूम होना चाहिए, तो इसके लिए बहुत से नेविगेशनल एड्स आते हैं। नेविगेशनल एड्स मतलब क्या, अभी जब हम जीपीएस लगाते हैं और कहाँ पर भी जाना है तो जाते हैं, तो उसको ही नेविगेशनल एड्स बोलते हैं। तो रास्ता ढूंढने के लिए कोई भी ऐप नहीं तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमको मदद करता है, तो उसको ही हम बोलते हैं नेविगेटर के एड्स। तो यहाँ पर उस टाइम पे तो ये नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, बाद में फोन्स नहीं था, नेविगेट जीपीएस ट्रैकिंग और ये भी सब नहीं था, तो कैसे जाते थे, तो उनके ऊपर देखेंगे क्या क्या था। तो बात ये चार चार चीजें थी। तो पहला क्या था, मरिनल कंपास। ये देखो ये तो मरिनल कंपास है, अब ये अभी भी यूज होता है कंपास। ठीक, और दूसरा था एस्ट्रोलेब। एस्ट्रोलेब मतलब क्या, ऐसा दिखता था एस्ट्रोलेब करके, तो ये भी यूज होता था उस टाइम पे। तीसरा था ज्योग्राफिकल मैप। ज्योग्राफिकल मैप मतलब क्या, मैप्स जो हमारे अभी भी रहता है वो। ओके, तो मैप भी था उनके पास। और नॉलेज ऑफ शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग मतलब बोट अच्छे अच्छे बनाना चाहिए, क्योंकि समुंदर देखो कैसा रहता है, आपने डिस्कवरी चैनल पे भी देखा होगा कैसे बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो ये लहरें को सहन करने के लिए बोट को चाहिए, तो इसलिए अच्छा बोट, स्ट्रांग बोट चाहिए, तो इसके लिए ये भी उनके पास नॉलेज था, तो ये हेल्प करता था। द मरिनल कंपास प्रोवाइडेड देम द आइडिया अबाउट विच डायरेक्शन दे वे सेलिंग। सो सबसे तो उनको हेल्प करता था इन सब चीजों में से, वो था मरिनल कंपास। ओके, तो मरिनल कंपास उसको एग्जैक्ट आइडिया देता था कि बाबा वो किधर जा रहे हैं और कौन से रास्ते से जा रहे हैं, और एग्जैक्टली वो वहां पर पहुंच जाते थे मैप की दिशा से। ओके, तो मरिनल कंपास उनको बहुत ही फायदा होता था। सो दिस हेल्प देम टू नेविगेट प्रॉपरली इन द डीप ओशन। तो बड़े बड़े समुन्द्र में आसानी से रास्ता ढूंढते थे मरिनल कंपास के वजह से। तो आगे अभी मरिनल कंपास किसका इन्वेंशन है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। मरिनल कंपास चाइना का इन्वेंशन था। ठीक, पर चाइना में उस टाइम ज्यादा उसका यूज कोई नहीं करता था, पर बाद में जब ये एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, मतलब बोट लेकर घूमने का भी, तब से ये ज्यादा यूजफुल हो गया इंस्ट्रूमेंट, और तब से कंपास अभी तक चल रहा है। बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन एम्पायर। तो कॉन्स्टेंटिनोपल करके
ये कैपिटल था जो वो यूरोप यूरोप एम्पायर तो था, उसका कैपिटल था। तो यहाँ से बहुत से लोग जाते थे अपना गाड़ियाँ लेकर, मतलब उस टाइम पे गाड़ियाँ नहीं थे, टांगा विंगा सब लेकर जाते थे। तो उस रास्ते से जाते थे वो, पर इंजॉय फ्लरिश ऑफ ट्रेड एंड इंजॉय फ्लरिश ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब और यहाँ से वो बहुत सारा माल लेकर जाते थे, बहुत सारा कमाते थे और बहुत हैप्पी थे वो रोड से जाने के लिए बहुत से लोग। पर क्या हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल फेल इनटू द हैंड ऑफ ऑटोमन टर्क। तो ऑटोमन टर्क करके एक राजा था, उसने वो जीत लिया और कॉन्स्टेंटिनोपल जो था कैपिटल वो उसके हाथ में पड़ गया, अभी वो उसका राजा बन गया था। तो यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट वॉज डिस्टर्ब्ड। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो एशिया में वो आते थे उधर से, तो एशिया को ईस्ट मतलब एशिया, तो एशिया में आने को अभी नहीं मिल रहा था क्योंकि वो उस गांव से अलाउ नहीं करता था उनके जाने को, उनको फिर से भेज देता था। तो ऑटोमन के टर्क की वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल उनके हाथ में पड़ गया और उनका ट्रेड बंद हो गया। अभी तो इसके वजह से भी उनको नया रोड ढूंढने की कोशिश करना पड़ा। ओके, तो ये सब रीजन्स है, बहुत सारे रीजन्स है देखिए जिसके वजह से उनको नया नया रोड ढूंढना पड़ा। ओके, तो पहला आएगा पोर्चुगेज। तो पोर्चुगेज है टेकन द लीड इन द ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। तो पोर्चुगेज सबसे पहला ऐसा देश था जो एक्सप्लोरेशन में उतरा था। देयर मेन एम वॉज गॉड ग्लोरी एंड गोल्ड। सो उनका मेन एम जो रहता था वो था गॉड ग्लोरी और गोल्ड। ये उनका मतलब गॉड मतलब भगवान का प्रचार करना, दूसरा ग्लोरी मतलब ज्यादा होता है उतना जमीन पे इकट्ठा करना, और गोल्ड मतलब लूट के लाना सब। और प्रिंस हेनरी एज देयर रूलर, और उनका राजा जो था उसका नाम प्रिंस हेनरी था। तो प्रिंस हेनरी बहुत ही हेल्प करता था, जो ये नेविगेशन के लिए जाते थे, लोग जाते थे दूसरे गांव को ढूंढने के लिए, उनको बहुत ही मदद करता था। तो देखेंगे तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इसलिए उसको नाम भी पड़ा था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वाज द प्रिंस हेनरी नेम्ड एज प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। तो क्यों, क्योंकि अभी देखेंगे, स्कूल फॉर नेविगेटर, तो उसने स्कूल बांधा था, स्पेशल स्कूल रहता था उनका सिखाने के लिए। सर्विस ऑफ मैप मेकर, तो मैप मेकिंग करने के लिए भी उसने अच्छे ऐसे डिजाइनर कारागिर को उसको सिखाने के लिए रखा था मैप करने के लिए। और शिप डिजाइनर और अच्छे अच्छे कारागिर जो अच्छे बोर्ड बना सकते हैं उनको भी ट्रेनिंग देता था। ठीक, तो इसके वजह से उसको नाम पड़ा प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, पहला नाम है। ये 1488 में गया था, इसका नाम बातलोम डाइस है। ठीक, तो ये किधर पहुंचा, ये साधन टिप ऑफ अफ्रीका इसने ढूंढ निकाला। अभी फर्स्ट आदमी जो बोट लेकर गया, उसने ये कैसा जगह ढूंढ के निकाला जो उसके गांव से बाहर है बहुत, तो अफ्रीका को उसने ढूंढ निकाला। नाम दिया उसको केप ऑफ स्टॉर्म। अब केप ऑफ स्टॉर्म ऐसा अजीब नाम क्यों दिया उसने तो अजीब नाम इसलिए दिया क्योंकि जब जा रहा था वो, तब तो वो तूफान में फंस गया। तो तूफान में फंस गया इसलिए उसने डर डर के मारे वहां पर ऐसा बोल दिया कि यहाँ का नाम होगा केप ऑफ स्टॉर्म करके। तो मैं केप ऑफ स्टॉर्म पे पहुंच गया, ऐसा उसने सबको डिक्लेयर कर दिया। तो लेटर द केप ऑफ स्टॉर्म वॉज नेम्ड एज केप ऑफ गुड होप। तो बाद में उसने नाम वो चेंज करके केप ऑफ गुड होप में चेंज कर दिया। अभी के चेंज क्यों गया उसने, क्योंकि इट प्रोवाइडेड होप फॉर द नेविगेटर टू ट्रेवल फर्दर। तो अभी क्या, उसने एक होप, एक उसने आशा की किरण दिखाई सबको कि बाबा इस गांव से बाहर भी आप जा सकते हैं और आप लूट के भी बहुत ला सकते हैं, और नया नया गांव भी है जहां पर और भी कुछ मिलता है। ठीक, और बोट से भी आप जा सकते हैं, ये सब उसने होप दिया लोगों को और सेलर्स के लिए जाने के लिए। तो इसलिए उसको नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप, क्योंकि वो पहला ही ऐसा जगह था जो ढूंढ के निकाला था। तो इसके लिए उसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म से केप ऑफ गुड होप रखा बाद में। तो वास्को डगामा, अभी दूसरा पोर्चुगीज रूलर जो है पोर्चुगीज सेलर जो है उसका नाम था वास्को डगामा। तो वास्को डगामा रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो वास्को डगामा जो था वो उसने वही रोड पकड़ा जो बातलोम डाइस गया था, वही रोड पकड़ा, पर वो आगे आगे चल के इंडिया पहुंच गया। तो इंडिया में किधर पहुंचा एग्जैक्टली, तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कलिकट ऑन 17 मई 1498। तो 17 मई 1498 को वो कलकत्ता में पहुंच गया। अभी उसका नाम कलकत्ता है, पहले कलिकट बोलते थे उसको। तो कलिकट में पहुंच गया यार, वो क्या किया उसने, कुछ लाया था वो राजा को दे दिया उधर के, कलकत्ता के राजा को, और उसको खुश कर दिया। और उसने
ट्रेडिंग कंसेशन फ्रॉम द रूलर्स कलिकट। सो उधर से ट्रेडिंग करने का उसने परवानगी लिया, कंसेशन मतलब ये परमिशन लिया, और वो उधर से बहुत सारे लेकर गया। क्या लेकर गया? स्पाइसेस मतलब मसाले के, और प्रेशियस स्टोन, और अच्छे अच्छे माणी मतलब रूबी एम्बरल्ड ये सब रहते हैं वो सब लेके गए, डायमंड्स के उधर से। अभी हम स्पेन के बारे में देखेंगे, स्पेन में कौन गया था। तो स्पेनिश एक्सप्लोरेशन क्रिस्टोफर कोलंबस के, स्पेनिश एक्सप्लोरेशन जो शुरू हुआ उसमें पहला जो नाम आता है जिसने बोट लेके गया तो उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस के। तो क्रिस्टोफर कोलंबस गया था पहला स्पेनिश में से, स्पेनिश गांव में से के। तो उस टाइम उसका रूलर कौन था, राजा कौन था? तो राजा था किंग फर्डिनांड के एंड क्वीन इजाबेला। तो ये दोनों एक राणा, राजा और रानी थे, वो उस टाइम पे रूल करते थे। तो उसके अंडर में ये एक्सपीडिशन शुरू हुआ। तो 12 अक्टूबर 1492 बहामास अ प्लेस ही मिस्टूक फॉर इंडिया। तो वो गलती से, वो एक्चुअली जा रहा था इंडिया ढूंढने के लिए, पर गलती से वो किधर पहुंच गया, बहामास पहुंचे गया, बहामास ढूंढ के निकाला उसने। अभी बहामास मतलब क्या है, अमेरिका का एक गांव है, अभी भी है वो अमेरिका में बहामास करके। तो वो बहामास पहुंच गया गलती से के? कब पहुंचा? 12 अक्टूबर 1492 को। कोलंबस ही इज बीइंग क्रेडिटेड बाय द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। तो कोलंबस को ऐसा पदवी दिया गया है, उसका नाम दिया गया है कि अमेरिका को उसने ढूंढ के निकाला था करके के? पर अमेरिका वॉज नेम्ड सो आफ्टर अमेरिचो वास्पुसी, पर कोलंबस के नाम से उसको अमेरिका नाम नहीं रखा है, वो देश को, उसका देश का नाम अमेरिका पड़ा, अमेरिको वास्पुसी करके। अभी इसका नाम से क्यों पड़ा? क्योंकि कोलंबस ने सिर्फ वो टापू ढूंढ के निकाला, वहां पर बहामास करके वहां पर पहुंच गया था, इतना ही उसको मालूम था। पर अमेरिको वास्पुसी जो था उसने अंदर अंदर घुस के सब अमेरिका जो था वो सब ढूंढ के निकाला, अंदर के गांव और क्या क्या है वो, इसलिए उसने पूरा ढूंढ के निकाला है, इसलिए उसके नाम से उसको नाम पड़ा। सो अमेरिका वास्पुसी के नाम से अमेरिका नाम पड़ा, समझे? ओके। तो और एक स्पेनिश सेलर, इसका नाम फर्डिनांड मैगेलन है, इसने क्या किया, ही प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन द सर्कमफेरेंस नेविगेटिंग। तो इसने प्रूव किया कि बाबा अर्थ है वो गोल है करके। तो वो कैसे किया कि एक पोजिशन से वो शुरू किया और पूरा धरती घुमा, तो उसने चेक किया कि बाबा सर्कल मार के वो उसी जगह पर फिर से पहुंच गया। तो इससे पता चलता है कि धरती गोल है करके। तो सर्कम नेविगेटिंग मतलब पूरा एक राउंड मारा उसने के? तो किंग फर्डिनांड का भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा, इसने क्या ढूंढ निकाला, पूरा धरती जो है वो गोल है करके। इसके बाद इंग्लैंड आया, इंग्लैंड ने बहुत लेट शुरू किया, स्पेन और पोर्चुगल बहुत ही आगे चले गए थे इन्होंने, मतलब ये एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, ये लेट आए बहुत के? और उसके बाद जल्दी फ्रांस भी आए 16th सेंचुरी में, मतलब वो दोनों इकट्ठा ऐसा आए के? पर इनके पहले बहुत ली लूट लिया था, ये स्पेन और पोर्चुगीज ने बहुत ली गांव से लूट लिया था, वो दूसरे गांव से। तो इंग्लैंड के कौन कौन गए? सो इंग्लैंड स्टार्टेड एक्सप्लोरेशन इन द 15th सेंचुरी के, एंड द रूलर हेनरी सेवन। तो इसका रूलर जो था उसका नाम था हेनरी सेवन। अभी ये कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि पोर्चुगल का भी हेनरी ही था और इसमें भी हेनरी है, पर इसमें हेनरी सेवन है के? तो इसमें हेनरी सेवन आपको याद रखना है। तो जॉन कैबॉट के लैंडेड ऑन केप बेनेटन आइलैंड। तो जॉन कैबॉट करके था, वो पहुंच गया कहाँ पर, केप बेनेटन आइलैंड पहुंच गया था। ओके, तो उसने वो आइलैंड ढूंढ के निकाला। एस्टैब्लिश इंग्लिश ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो इन नॉर्थ अमेरिका में उसने ढूंढ के निकाला, और उन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश इंग्लिश कोस्ट, मतलब वो वहां पर रूल जैसे करने लगे, वो उनका हिस्सा ऐसा मानने लगे, वहां पर सब कैप्चर कर लिया उन्होंने, कौन सा, नॉर्थ अमेरिकन हिस्सा के? तो यहाँ पर जॉन कॉबर्ट दिया है, यहाँ पर हेनरी सेवन का फोटो दिया है। तो बाद में अभी क्या हुआ, फ्रांस एक्सप्लोरेशन उन्होंने भी शुरू किया, तो इनका रूलर था फ्रांसिस वन। तो आसान है याद रखने के लिए, फ्रांस और फ्रांसिस वन के उनका राजा था। सो दे ट्राई टू सेट अप द कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में पहले से इंग्लैंड ने अपना कब्जा कर लिया था, अभी बोला मैंने। तो फ्रांस क्या किया, फ्रांस वो कब्जा किया जगह पर अपना हिस्सा जमाने गया, उससे झगड़ा हो गया बाद में उनका। सो दे काम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद इंग्लैंड,
जोन से झगड़ा हो गया एंड दिस बिगनिंग कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये झगड़े की वजह से सब लोग अपना अपना अभी ऐसा मन बना लिया कि जो भी जाएगा वो रूल करेगा और उसके इलाके में और बाद में कोई नहीं जाएगा उसको डिस्टर्ब करने के लिए। तो इसके वजह से क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी गांव ढूंढने का एक रेस जैसा शुरू हो गया कि ऐसा वो बोल रहे। तो बिगनिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोसेस बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज। ओके, तो ये बाद में सबसे ऐसे मन में बैठ गया कि जल्दी जल्दी ढूंढने का, वो अपना कब्जा करने का ऐसा। तो उसके वजह से एक्सप्लॉइट हो गया पूरा वर्ल्ड। ओके, अभी इसके बीच क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ द एटलांटिक सी। तो अभी इसी के बीच में वो सेल जो करते थे बोट में, तो उनको एक नया रास्ता मिल गया। पहले बेल्टिक सी और मेडिटेरेनियन सी उनका मेन हाईवे था, पर अभी क्या वो बाहर से जाते थे, नए नए देश ढूंढने लगे। तो डिस्कवर एटलांटिक सी, तो एटलांटिक सी को उनका डिस्कवर हो गया अभी नया समुद्र। तो इट बिकेम द चीफ हाईवे ऑफ द कॉमर्स ना। ओके, सो ये अभी उनका मेन हाईवे बन गया था, एटलांटिक से सब लोग जाते थे। एंड बेल्टिक सी एंड मेडिटेरेनियन सी लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। तो बिकॉज ऑफ एटलांटिक सी, बेल्टिक सी एंड मेडिटेरेनियन सी लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। तो ये दो समुद्र, ये एटलांटिक सी के वजह से पुराने जो दो समुद्र थे उनकी जो इम्पोर्टेंस था वो चला गया, कोई भी यूज नहीं करता था अभी, और उधर का भी कोई यूज नहीं करता है। तो उसका नया हाईवे भी बन जाएगा। तो उसका नया हाईवे कौन सा था, न्यू कमर्शियल हाईवे लाइक लिस्बन, लंदन एंड एस्टरडम। तो ये उनका भी नया हाईवे बन गए थे, लिस्बन, एस्टरडम और लंदन। सो रिच पुअर, रिच पुअर द मिडल क्लास विच हैड बिकम इम्पोर्टेंट। तो अभी तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हो गए थे क्योंकि वो नए नए गांव से कुछ कुछ लेकर आते थे। तो इन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो गए थे, मतलब ये बहुत ही रिच हो गए थे बोलने का मतलब। तो इनको अभी किसी से खतरा भी हो सकता है। तो उनको खतरा था किससे, फ्यूडल नोबल से खतरा था। तो उन्होंने क्या किया, उनको से बचाने के लिए अपने आप को वहां के जो लोकल राजा रहते थे उनको उन्होंने पैसा देने की कोशिश की। तो पैसा देकर नो फ्यूडल नोबल से हमको बचाओ करके। ठीक, सो मोनेंची इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप हैड ए पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। तो इसके वजह से मोनेंची जो थे उनका पॉलिटिकल दबदबा हो गया, सुप्रीमेसी हो गया उधर। आगे देखेंगे, द वेस्टर्न पावर्स कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर देन द नेटिव एशिया एंड अफ्रीका। तो वेस्टर्न मतलब कौन है, अभी वेस्टर्न मतलब यूरोप। वो हमेशा समझते थे कि ईस्टर्न कंट्री जैसे आज एशिया, अफ्रीका, अमेरिका है, इनसे बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं और वो सब अनपढ़ है करके समझते थे। ओके, तो उन्होंने ठान ली कि सिविलाइज अनसिविलाइज पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड डे कॉल्ड व्हाइट मैन बर्डन। तो उन्होंने क्या सोचा कि बाबा ये अनपढ़ जो लोग एक हैं इनको सिखाने की कोशिश करेंगे। और सिखाने की कोशिश में क्या किया, उन्होंने एडुकेशन उधर का इधर लाया, इंग्लिश एडुकेशन सिखाने लगे इधर के लोगों को। बाद में उधर का कल्चर है, क्रिश्चियन भी है, वो इधर आने लगे धर्म प्रचार करने के लिए। तो इसके वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ कल्चर वे एबॉलिश एंड वे रिप्लेस बाय द वेस्टर्न कल्चर। तो इसके वजह से बहुत सारा कल्चर जो संस्कृति हमारा था, जैसे आप एग्जाम्पल एग्जाम्पल बोल सकते हैं गणपति, गणपति का उन्होंने नाश कर दिया। गणपति अभी कोई फेस्टिवल नहीं बनाते थे, वो सब भूल गए, एग्जाम के लिए बोल रहा है, एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो ऐसा हुआ। तो वहां पर कोई पहला कोई होता होगा कोई भी फंक्शन, तो अभी वो नहीं करते हैं, उस टाइम पे वो डैमेज हो गया, सब भूल गए सब उसको मनाने का। तो ऐसे वेस्टर्न कल्चर रिप्लेस किया उन्होंने, सो वेस्टर्न कल्चर का इधर लेकर आने लगे। सो गेव राइज टू द कॉलोनी सिस्टम एंड इंपीरियलिज्म। तो इसने क्या किया, कॉलोनी अभी ज्यादा से ज्यादा लोग कॉलोनी करने लगे। कॉलोनी मतलब नए नए प्लेस वो अपने कब्जे में लेने लगे, इसको कॉलोनियल सिस्टम बोलते हैं। और इंपीरियलिज्म मतलब क्या, जैसे यहाँ पर ऑक्टोपस जैसे दिखाया, इंग्लैंड में बैठा रहता था और पूरा वर्ल्ड को वहां से रूल करता था। तो इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म, मतलब सब हुकुम बिकम सब रूल्स रेगुलेशन भी उधर बैठ के चलाता था, और यहाँ पर उनके सैनिक भी थे वो सब जो फॉलो करते थे, डिसिप्लिन करते थे, लगाते थे सब। तो एस्टैब्लिश कॉलोनीज पॉलिटिकल कंट्रोल एंड रूल देम, तो ये बोला है। तो वहां पर वो एस्टैब्लिश करते थे, नए कॉलोनी ढूंढ के निकलते थे और वहां पर अपना शासन करते थे।
तो रिस्ट्रिक्शन है इम्पोज, अभी वो रूल करेंगे तो उनका रूल्स और रेगुलेशन चलेगा, तो बहुत से तो इस पर वो लगाम लगाते थे, लगाम लगाते थे मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, जैसे इम्पोज ट्रेड पर, वो बाहर के गांव से किसी से ट्रेड नहीं करते कर सकते थे, सो नॉट टू ट्रेड विद अदर फॉरेन कंट्री, दूसरे देशों से वो व्यापार धंधा नहीं कर सकते करके, ठीक। तो ऐसा उन्होंने बहुत सारे रूल्स लगाए उन पर। तो बाद में बिगेन टू इम्पोर्ट स्पाइसिस, इंडियन टेक्सटाइल, पर्शियन कार्पेट्स फ्रॉम ईस्ट इन अ लार्ज क्वांटिटी, तो ईस्ट से मतलब एशिया, अफ्रीका, इन देशों से वो स्पाइसेस लेके गए, इंडियन टेक्सटाइल लेके गए, कारपेट्स लेके गए, बहुत लार्ज क्वांटिटी में लेकर जाते थे, और शिप्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फिश फॉर टिम्बर फ्रॉम अमेरिका, और अमेरिका से भी वैसे लाते थे, अमेरिका से क्या लाते थे, फिश लाते थे, फॉर फॉर मतलब चमड़ी, ठीक, और टिम्बर मतलब लकड़ी, सो लकड़ियां लेकर जाते थे। एंड ऑन द अदर हैंड दे एक्सपोर्टेड द नंबर ऑफ यूरोपियन मैन्युफैक्चर गुड्स, और रिटर्न में क्या लेके जाते थे, जो भी ये सब रॉ मटेरियल लेके जाते थे, जैसा स्पाइसीज है, वो कुछ भी बनाते थे, और बनाकर समझो अभी लकड़ी, लकड़ी लेकर जाते थे, वो लकड़ी का वहां पर फर्नीचर भी बनाते थे और फिर से लाकर वहां पर बेचते थे, तो उनको फायदा होता था, कम से गांव में कम दाम में लेके जाते थे और महंगे में बेचते थे, वो उस गांव में नहीं तो दूसरे गांव में बेचते थे, ठीक। तो ऐसा वो लूट रहे थे पूरा। एंड ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट डॉट इनोमस ग्रोथ ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी लेड टू क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो अभी ये सब चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, ये चलाने के लिए पैसा तो बहुत चाहिए, तो पैसा किधर से लाते थे, तो इसी के वजह से ये बैंक्स भी शुरू हो गया, बैंक्स मतलब क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन मतलब उधार देते थे, ऐसा कंपनियां बन गई, बैंक्स बन गए, और ऐसे और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जो उनको उधार पे पैसे देते थे और बाद में इंटरेस्ट के साथ लेते थे, जैसा हमारा नॉर्मल बैंक रहता है वैसे। सो इंस्टीट्यूशन दे तो उसका भी इंटरेस्ट पे करने के लिए क्या करते थे वो, तो इंटरेस्ट पे करने के लिए उनसे दो जो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो लाते थे, तो मतलब अभी समझो मैं मिर्ची पैदा करता हूँ, तो मिर्ची मैं जब बाजार में जाकर बेचूंगा, नहीं तो ब्रिटिश को बेचूंगा, तो बीच ब्रिटिश क्या करते थे, उस पर टैक्स लगाते थे और वो टैक्स ज्यादा रहता था, ठीक, और उनके इंडस्ट्री पे भी टैक्स रहता था, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करता था और उसको कम टैक्स लगाते थे, तो ऐसा अपने देश को फायदा करके लेते थे वो, ठीक, और दूसरे जो कंट्रीज है उसको पूरी तरह से ये कर रहे थे, लूट रहे थे। तो इंस्टीट्यूशन ले लोअर टैक्सेस ऑन देयर इंडस्ट्रीज बट इंक्रीज इन कॉलोनीज, तो कॉलोनीज मतलब वो देश जो रॉ मटेरियल देते थे, तो उन पर वो टैक्स बहुत लगाते थे और उनको उधर ही बेचना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने रूल लगाया था कि बाहर के देश से आप किसी को नहीं बेच सकते, तो मजबूरी से उनको ही बेचना पड़ता था। तो ज्योग्राफी का डिस्कवरी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलंबियन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, तो ज्योग्राफी डिस्कवरी में बहुत सारा ऐसा भी उनका मार्केट रहता था जहां पर वो एक्सचेंज गुड्स करते थे, मतलब जिसका ज्यादा होता था वो जाकर वो बेचता था और उसके रिटर्न में दूसरा कुछ चीज लाते थे, पैसा नहीं लेते थे, ठीक, तो चीज के बदले चीज लाते थे, ठीक, उसको हम बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं और यहाँ पर कोलंबियन सिस्टम एक्सचेंज बोलते। द प्लान्स ऑफ इंडिया आइडियाज इन द यूरोप न्यू वर्ल्ड वॉज एक्सचेंज विद द वन ऑफ द अदर, तो इसमें क्या बोला गया है, द पौध प्लांट्स एनिमल्स जो थे और आइडियाज यूरोप के जो थे वो सब एक्सचेंज करते थे, नया वर्ल्ड, अभी और एक वर्ल्ड आया नया वर्ल्ड करके, न्यू लैंड बोला, नया वर्ल्ड, कॉलोनी, ये सब एक ही है, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका नाम नाम दिया गया, न्यू वर्ल्ड मतलब फिर से वही है, तो उनके वो एक्सचेंज करते थे, या फिर अभी समझो एशिया है तो एशिया में वो घोड़े ये बैल भी ये सब लेकर आते थे, और यूरोपियन ब्रॉड कैटल हॉर्सेस शीप्स फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड, तो न्यू वर्ल्ड में ये लेकर गए, उनको दे दिया उन्होंने, एंड दे रिसीव्ड टोबेको सिल्क स्पाइसेस एंड प्रेशियस स्टोन, और नया वर्ल्ड से मतलब अभी अफ्रीका ही ले जाए तो अफ्रीका नहीं तो एशिया, एशिया से वो लेके क्या जाते थे, टोबेको लेके जाते थे, सिल्क लेके जाते थे, प्रेशियस स्टोन लेके जाते थे, ये सब लेके जाते थे, ओके। तो ऐसा करके यहाँ पर आपका पूरा लेसन खत्म होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी डाल दिया है और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन अभी ये मैंने सिखाया है और ऐसे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो डाल दिया है, तो कौन सा आपको चाहिए वो एक्सप्लेनेशन देखिए, तो थैंक यू वेरी मच।